हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आपका टीचर दिन आया आपको अपना क्लास 8 फुटप्रिंट बुक का चैप्टर नंबर 13 नेचुरल रिसोर्सेज वाइल्ड लाइफ, नेचुरल रिसोर्सेज वेजिटेबल एंड वाइल्ड लाइफ। तो अगर कोई सेम बुक नहीं है, कुछ नहीं होता, क्योंकि भाई जानवर हर बुक में सेम होंगे, प्लांट्स हर बुक में सेम होंगे, फॉरेस्ट हर बुक में सेम होंगे। ऐसा नहीं होगा कि किसी में एक दुनिया का फॉरेस्ट है, किसी में सैटर्न का फॉरेस्ट है, नहीं होगा ना। हाँ, इसमें अर्थ की फॉरेस्ट होगी, चिंता मत करो, यहाँ का पढ़ लो, अच्छा है, आपको एक्स्ट्रा आ जाएगा, है ना। हाँ, तो लेट्स बिगिन। तो स्टार्टिंग में हमें यहाँ का इंट्रो दिखता है चैप्टर नंबर 13 नेचुरल रिसोर्सेज नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। फिर हमारे सामने दिखता है प्यार सा पोलर बियर द बिग आइडिया के साथ, उसका मतलब बड़ा तेज दिमाग है इसके पास, है ना। हाँ, तो देखते हैं इसके आइडिया क्या क्या, हम क्या क्या पढ़ें इस बार। वेजिटेशन एंड इट्स टाइप्स, वेजिटेशन और उसके टाइप, नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। वेजिटेशन के टाइप मतलब कि कितने टाइप की वेजिटेशन होती है, कैसे हम अपने फॉरेस्ट को, क्या हमें ज़रूरत है फॉरेस्ट को बचाने की, और कैसे बचाना है, और कैसे हमें अपने वाइल्ड लाइफ को बचाना है, और ज़रूरत क्या है भाई, है ना। तो आगे है न्यूज़ मेकर, वाह, हिस्ट्री में हिस्ट्री मेकर, जियोग्राफी में न्यूज़ मेकर। चलो देखते हैं इस न्यूज़ मेकर ने क्या अच्छी सी न्यूज़ बनाई है। सबसे पहले यहाँ सबसे पहले हमें नाम देखने में को मिलता है वंगारी मुथा मथाई। सामने जो देवी जी दिख रही हैं, इनका नाम है वंगारी मुथा मथाई, और यहाँ पर दिखा रखा 1940 से लेकर 2011 तक जितना ये जी हैं, बल्कि पूरे पूरे 71 साल जी हैं भाई, अच्छा है। वॉज अ कीनियन इन्वायरमेंटल एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, ये कीनिया की रहने वाली थी, इन्वायरमेंट और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी ये, मतलब कि जो इन्वायरमेंट के बारे में लोगों को समझाती थी कि इन्वायरमेंट हमारे लिए कितना ज़रूरी है, फिर उसके बारे में उसको कंजर्व करने के तरीके बताती थी, जो हम मैं भी आपको बताऊंगा आज, चिंता मत करो, है ना। आगे ये फिर हमें पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, मतलब कि ये जो हमें सूचित करते हैं कि कैसा कैसा आपका इन्वायरमेंट है, कैसा आपका पॉलिटिकल सिस्टम है, आपको कैसे उसको सुधारना चाहिए, आपको कैसे उसमें ज़्यादा वो उसमें कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बना करनी चाहिए, है ना। आगे चलो बढ़ते हैं, एक से रिलेट कराना है। इन द 1970s जो 1970 वा साल था, है ना, उस टाइम में मिथाई फाउंडेड द ग्रीन बेल्ट मूवमेंट, उन्होंने एक मूवमेंट छेड़ी, उसका नाम रख दिया ग्रीन बेल्ट, मतलब कि हरी पट्टी, वाह क्या नाम है ना। मूवमेंट एंड इन्वायरमेंटल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फोकस्ड ऑन प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, और एक इन्वायरमेंटल मतलब कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि नॉन गवर्नमेंट मतलब कि गवर्नमेंट इसको नहीं चलाती ऑर्गेनाइजेशन पर, इसको कुछ प्राइवेट इसको चलाया जाता है। अब मैं आपको एक राशि बताता हूँ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का एक शॉर्ट फॉर्म है, सोचो सोचो क्या होगी, NGO, देखा होगा ना, NGO के बारे में सुना होगा कि वो देखो वहाँ एक NGO है, देखो विधवाओं का NGO है, देखो एग्रीकल्चर का NGO है, देखो वो बेरोजगारों का NGO है, देखो वो हमारे अनाथों का NGO है ना। ये क्या करते हैं, NGO क्या करते हैं, नॉन गवर्नमेंटल होते हैं, मतलब कि पॉलिटिकल, इसको मतलब कि प्राइवेट चलाते हैं, प्राइवेट लोग, है ना। है ना, और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग उन लोगों की मदद करते हैं जिनके कोई मदद करने वाला नहीं होता, है ना, या फिर बहुत कम लोग होते हैं ऐसे, है ना, जैसे कि अब विधवाओं के लिए होता है, जैसे कि पहले लोग कुछ गांव होते हैं जहाँ पर विधवाओं को सपोर्ट नहीं किया जाता सेकंड मैरिज उनकी, तो ये लोग इनक्रेज करते हैं कि आप सेकंड मैरिज करो, है ना, ताकि आप भी अपनी ज़िंदगी जी सको खुल के, है ना। उसके बाद अनाथ बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखवाते हैं, है ना, कुछ फंड्स इकट्ठा करते हैं डोनेशन से, है ना, फिर वो इनकी पढ़ाई में बाकी चीज़ों में उनकी हेल्प करते हैं, है ना। पर जो इनका NGO था, ये प्लांटिंग के टूवर्ड्स था, मतलब कि हमें जितना है जितना प्लांट करना चाहिए। अब इनको तरफ जो इनके तरफ जो आता था ना, क्या बोलते हैं, डोनेशन, है ना, इनके लिए इनके NGO के लिए जो डोनेशन आता था ना, है ना, उसमें उससे ये लोग ट्रीज को प्लांट करते थे, फिर ये लोग बड़े बड़े वेलफेयर्स करते थे कि आप सुनो हमारी बात, कि ऐसा है ऐसा है, हमें ट्रीज को प्लांट करना चाहिए, है ना, कि सोशली सबको अवेयर करते थे, है ना। उसके बाद आ गया यहाँ पर इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एंड वुमेन्स राइट, जो वुमेन के जो राइट होते थे उसके ये भी आगाह करते थे लोगों को। इन 1986 शी वॉज अवार्डेड द राइट लिवलीहुड अवार्ड, इनको एक अवार्ड मिला था जिसका नाम था राइट लिवलीहुड अवार्ड, और 2004 में शी बिकेम द फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन
मतलब कि अफ्रीका के सारे वूमेंस में से ये पहली महिला थी जिनको नोबल पीस प्राइज मिला था। नोबल प्राइज मिलना भी कोई आम बात नहीं होती, बहुत कम लोगों को मिलता है, कि मान लो कोई बहुत रेयर प्रजाति होती है इन लोगों की, है ना। हर कंट्रीब्यूशन टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्योंकि उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमने पहले पढ़ रखा है, जब हम लोग किसी डेवलपमेंट तो करते हैं लेकिन उसको ऐसे वे में डेवलप करते हैं कि ना किसी और का नुकसान हो ना हमारा नुकसान हो, है ना। उसके बाद डेमोक्रेसी एंड पीस, इस चीज पर उनको मिला था। आगे आता है हमारे पास एट अ ग्लैंस, जिसमें हमारे पास पहले आता है टाइप ऑफ वेजिटेशन। कैसी वेजिटेशन होती है भाई यार? वेजिटेशन होती है तीन तरीके की, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड अदर्स, ठीक है। हाँ, पहले फॉरेस्ट देखते हैं कौन कौन से फॉरेस्ट होते हैं। इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मॉनसून डेसिडियस फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसिडियस एंड मिक्स्ड फॉरेस्ट, मेडिटेरियन फॉरेस्ट, टेम्परेट कॉन्फ्यूशियस फॉरेस्ट। क्या ग्रासलैंड कौन कौन से होते हैं? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, टेम्परेट ग्रासलैंड्स, अदर डेजर्ट्स, माउंटेन्स, टुंड्रा, टुंड्रा रीजन, डेजर्ट रीजन, है ना। तो ऐसे ऐसे टाइप की वेजिटेशन होती है, है ना। फिर अगर हम आगे बढ़ें तो हमें यहाँ देखने को मिलता है वार्म अप एक्सरसाइज। चलो भाई अब देखो, पहले हम लोग सपना देख रहे थे पूरा कि क्या क्या है हमारे दिन में होने वाला है, है ना। पहले हम भविष्य देख रहे थे अपना, चलो अब अपने कि जीते हैं, है ना। अब हम लोग सुबह सुबह उठे हैं, है ना। चलो थोड़ी एक्सरसाइज कर लेते हैं वार्म अप के लिए, है ना। ठीक है, देखते हैं एक्सरसाइज में, आज के एक्सरसाइज की रूटीन में क्या है। स्टडी द पिक्चर्स ऑफ द एनिमल्स, इन एनिमल्स के पिक्चर्स को आप ध्यान से देखो। आई नो विच टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन वुड यू एक्सपेक्ट ईच ऑफ देम टू बी एसोसिएटेड विद। इसका मतलब ये है कि किस तरह की वेजिटेशन से इन लोगों का एसोसिएशन होगा, मतलब किस तरह की वेजिटेशन के आसपास ये लोग रहते होंगे वगैरह वगैरह, है ना। और वाई, क्यों? चलो फिर देखते हैं आगे। यहाँ पर हमें पहले देखते हैं हम लोग अ पैक ऑफ वुल्व्स, है ना। पैक दिख रहा है, अब इसके बैकग्राउंड में क्या दिख रहा है इनके? अब हमें इनके बैकग्राउंड में दिख रहा है वाइट वाइट कलर के पत्ते, है ना। अब वाइट वाइट कलर के पत्ते तो होते नहीं हैं, तो पक्के स्नो होगी, है ना। हाँ, स्नो है, इसका मतलब ठंडी जगह, माउंटेन्स, इनके माउंटेन टुंड्रा वेजिटेशन, मतलब कि जहाँ ठंड होती है ना वो वाले वेजिटेशन में ये लोग हैं। अगर फेनिक फॉक्स, दिमाग में घंटी बजी घंटी बजी घंटी बजी कि हमने पहले याद किया था कि डेजर्ट में रहती है फेनिक फॉक्स, और इसके आसपास तो कोई प्लांट भी नहीं, इसका मतलब पक्का डेजर्ट की है, है ना। तो हमें पता चलिए डेजर्ट वेजिटेशन। नेक्स्ट है एक एंटीएटर, इसके पास बहुत ज़्यादा है घास, तो हमने इसका नाम दे दिया ग्रासलैंड, ग्रासलैंड से आइए, चलो मान लिया ना। हाँ, चलो अब देखते हैं असली में है कहाँ कहाँ से। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेशन के बारे में। नेचुरल वेजिटेशन इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ प्लांट लाइफ दैट ग्रो अंडर नेचुरल कंडीशंस। नेचुरल वेजिटेशन में हर टाइप का प्लांट लाइफ, लाइफ मतलब कि जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं दैट ग्रो अंडर नेचुरल कंडीशंस, जो नेचुरली ग्रो करते हैं, ये नहीं कि कोई और एलियन आएगा और उनको बोलेगा कि नहीं तुम वैसे नहीं ग्रो करोगे, तुम अलग तरीके से ग्रो करोगे ये, है ना। हाँ, विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस, और ह्यूमन के इंटरफेरेंस के बिना, है ना। जैसे कि जानवर खुद बड़े होते हैं जंगल के, जंगली जानवर, है ना, उनको थोड़ी बोलते हैं हम लोग बच्चा बच्चा आजा आजा, हम तेरे को आछे पालेंगे नहीं लेकिन हम तेरे को बोलेंगे तेरे को कैसे बड़ा होना है, तेरे को एक जानवर की तरह, तेरे को इंसान की तरह बड़ा होना, हो सकता है ऐसा नहीं हो सकता ना। हाँ, तो वो खुद अपने उनकी लाइफ जीते हैं, खुद अपना बताते हैं कि हम लोगों को सोचते हैं क्या क्या करना आगे, कैसा जानवर बनना है ना। आगे वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स ऑल स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स, बर्ड्स, फिश एंड एनिमल्स दैट लिव एंड ग्रो इन अ नेचुरल हैबिटेट। वाइल्ड लाइफ से मतलब क्या है, कि जंगली लाइफ से क्या मतलब है, कि वो हर तरह का ऑर्गेनिज्म जो नेचुरल हैबिटेट्स में ग्रो, जो बड़ा पड़ा है, कि ये नहीं कि ईंटों के मकान में बड़ा पड़ा हो, है ना, वो जंगल में बड़ा पड़ा है, है ना। मान लो कि मोगली भी वैसा ही है ना। आ गया क्लाइमेट एंड रिलीफ ऑफ द लैंड एंड टू की फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ अ रीजन। क्लाइमेट और रिलीफ, रिलीफ क्या होता है? रिलीफ वो होता है जैसे कि
मान लो अगर कोई जगह है ना, वहाँ की जो मिट्टी होती है ना, उसके टेक्सचर, उसका वहाँ के सराउंडिंग, उस सबको रिलीफ कहते हैं, उसका सराउंडिंग कैसी है ना, क्लाइमेट और सराउंडिंग ऑफ अ लैंड एंड द टू की फैक्टर्स, ये वो दो की फैक्टर्स मतलब कि दो मेन पॉइंट्स हैं जिस पर निर्भर करता है कि हमारी नेचुरल वेजिटेशन होगी कैसी। द वाइल्ड लाइफ ऑफ अ रीजन दिस क्रिएट्स डिफरेंट बायोम्स ऑन द अर्थ। बायोम्स मतलब जो जिंदा चीज़ें हैं, यहाँ देखो बायोम्स, द वर्ल्ड्स मेजर कम्युनिटीज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द प्रेडोमिनेंट वेजिटेशन एंड कैरेक्टराइज्ड बाय एडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू द पर्टिकुलर एनवायरमेंट। बायोम्स मतलब कि हर अलग अलग जगह पे रहने वाले जानवरों को जब कैटेगराइज करते हैं तो उनसे जो उनका आंसर निकलता है उसको हम क्या कहते हैं, बायोम्स। अच्छे से पढ़ो ताकि अच्छे से आ जाए बच्चा लोग, है ना। आगे देखे तो आते हैं, इन दिस चैप्टर वी विल अंडरस्टैंड हाउ इम्पोर्टेंट नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर टू ह्यूमन काइंड एंड वाई इट इज क्रूशियल टू कंजर्व देम, है ना। अब इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि कितना इम्पॉर्टेंट है नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ ह्यूमन के लिए, है ना, एंड वाई इट इज़ क्रूशियल टू कंजर्व देम, कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, क्या क्यों है ये इतना इम्पॉर्टेंट कि हम इसको कंजर्व करें, है ना। मतलब कि ये है कि यहाँ तक हमने अभी टाइम टेबल बना लिया कि हम लोग अभी क्या क्या पढ़ने वाले हैं, है ना, दिन का टाइम टेबल बना लिया कि हमने सोच लिया है आज मैं ये पढ़ूंगा, ठीक है। हाँ तो चलो टाइम टेबल की शुरुआत करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट से स्टार्ट करते हैं, है ना। इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल मॉनसून डेसिडियस फॉरेस्ट, यहाँ दो फॉरेस्ट भाई, एक इक्वेटोरियल और एक ट्रॉपिकल मॉनसून डेसिडियस फॉरेस्ट। वैसे तो हमने इसको पिछली क्लास में ही पढ़ा था, पिछली क्लास में ही पढ़ा था, है ना, फिर भी अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको याद दिलाने के लिए हाजिर हूँ। तो चलो पढ़ते हैं, है ना। आगे डिड यू नो, क्या आपको पता था, तू बता दे फिर हमें पता ही होगा, है ना। हाँ, चूना ट्री नोन फॉर इट्स मेडिकल वैल्यू इज फाउंड इन द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। अभी जो चिनचूना ट्री है ना, एक ऐसा ट्री है जिससे हमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं इसके अंदर, मतलब कि इससे हम कोई मेडिसिन बना सकते हैं, है ना। तो फिर ये कहाँ मिलता है, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में। हाँ अब हमें पता चल गया ना, हाँ अब हम कह सकते हैं डिड वी नो, हाँ वी डिड नो। मजाक कर रहा हूँ यार, मेरे को इंग्लिश अच्छी चाहती है, ये बस सोचने की बात ही नहीं है। हाँ आगे यहाँ दिखा रखा है आपको एक मैप, मैप में दिखा रखे हैं दो कलर्स, डार्क ग्रीन एंड ग्रीन एंड लाइट ग्रीन, है ना। इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है डार्क ग्रीन और वेरी लाइट ग्रीन है ट्रॉपिकल मॉनसून डेसिडियस फॉरेस्ट। इनके बारे में आगे पढ़ेंगे, पहले देखते हैं ये कहाँ कहाँ मौजूद हैं, है ना। ये देखो अफ्रीका के इस पार्ट में ये मौजूद हैं, है ना। आगे देखो यूरोप में भी हैं, इंडिया में भी हैं, चाइना की तरफ भी हैं थोड़े थोड़े, मेघालय की तरफ भी हैं, म्यांमार की तरफ भी हैं, ऑस्ट्रेलिया की तरफ भी हैं। तो इतनी जगह पर ये मौजूद हैं। तो फिर अब यहाँ इम्पोर्टेंट चीज़ देखने को क्या है कि जो ये हमारा इंडिया का जो हिमालयन फुट हिल रीजन, फुट हिल क्या होता है, अब हिमालय का जो नीचे तना है उसका, उसके पेड़ का तना होता है ना, इसके रूट्स के थोड़ा सा ऊपर स्टेम होती है जो उसकी, है ना, वैसा वाला रीजन, मतलब कि मैं ड्रॉ कर सकता हूँ क्या यहाँ पर, मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ, नहीं वो सॉरी, है ना, हिमालयन फुट हिल रीजन, मतलब कि मान लो कि आपके सामने एक ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल का जो नीचे बेस होगा ना, उसे थोड़ा सा ऊपर वाला जो रीजन होगा ना, उसे हम कहेंगे उसका फुट हिल रीजन, हिल का फुट हिल रीजन, हिमालय का जो फुट हिल रीजन है वहाँ हमें कौन सा फॉरेस्ट देखने को मिलता है, लाइट ग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मानसून डेसिडियस फॉरेस्ट। ये बात याद रख लेना बच्चों, है ना। तो अगर हम आगे चलें तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमें मिला हुआ है एक टेबल जो हमें इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल मॉनसून डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में गहराई से समझाता है, इसलिए हम इसको गहराई से पढ़ना है, क्योंकि अगर हम इसको गहराई से नहीं पढ़ा तो हम एग्ज़ाम में फेल हो सकते हैं। तो इसको चलो गहराई से पढ़ लेते हैं, है ना। पहले
इसके कॉलम में है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, बल्कि दोनों के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, दिस फॉरेस्ट आर एवरग्रीन एंड थिक। इक्वेटोरियल से हमें बना एवरग्रीन, एवरग्रीन मतलब कि जो हमेशा ग्रीन रहते हैं, कभी सूखते नहीं इनके पत्ते, है ना। एक साल मतलब पूरा जंगल नहीं सूखता, एक दो पेड़ सूख सकते हैं लेकिन पूरा जंगल कभी नहीं सूखता, है ना। एवरग्रीन एंड थिक, बहुत थिक होते हैं, मतलब कि पेड़ बड़े मोटे मोटे होते हैं, इनके बीच में से अगर आप ऊपर हेलीकॉप्टर से देखो ना तो नीचे की जगह देखना बहुत मुश्किल होता है भाई, है ना। एंड हार्ड वुड ट्रीज, मतलब कि इनके ट्रीज के वुड बड़ी हार्ड होती है। ग्रो हेयर विच आर गुड फॉर फर्नीचर, जो फर्नीचर के लिए बहुत ज़्यादा गुड होते हैं भाई, कि इनसे फर्नीचर बनाओ तो आपका फर्नीचर की क्या कहने भाई, क्या कहने, है ना। मेकिंग एंड शिप बिल्डिंग, मतलब जो शिप होती है ना पहले किसी टाइटैनिक वगैरह ऐसी, है ना, तो अब तब वो लोहे की शिप तो बनाएंगे नहीं, है ना, तब बनती थी लकड़ी की शिप, है ना, तो अब वो लकड़ी तो मजबूत होनी चाहिए, वरना किसी हमें किसी कंकड़ कुंकड़ से टकरा जाएगी तो टूट जाएगी, नहीं चाहिए ना हमें वैसा। हाँ, तो उसके लिए हमें एक मजबूत लकड़ी चाहिए जो हमें मिलेगी एवरग्रीन फॉरेस्ट से, मतलब कि इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट से। अब इसका अब आपको एक हिंट देता हूँ मैं, यहाँ है लिखा हुआ रेन फॉरेस्ट, क्या लिखा हुआ है, रेन फॉरेस्ट, है ना। हाँ, रेन फॉरेस्ट से हमें क्या पता चलता है कि यहाँ बहुत ज़्यादा रेन होती है। अब आप खुद देख लो, जब पौधों को मिलेगा बहुत ज़्यादा पानी तो उनमें होंगे न्यूट्रिशन भर भर आनी, मतलब कि भर भर के होंगे, है ना। तो फिर अब भर भर के न्यूट्रिशन होंगे तो वो थोड़ा हेल्दी तो होंगे ही ना, है ना, तो फिर बस ये हेल्दी होते हैं ज़्यादा, है ना। आ गया ट्रॉपिकल मॉनसून डेसीडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल मतलब कि इसका इसका टेम्परेचर बता दें ट्रॉपिकल, क्योंकि बहुत थोड़ा थोड़ा गर्म गर्म होता है। मॉनसून मतलब ट्रॉपिकल में ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, मॉनसून बारिश बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि मॉनसून में होते ज़्यादा रहती है। डेसीडियस फॉरेस्ट क्योंकि थोड़ा सूखने वाले फॉरेस्ट, क्योंकि एवरग्रीन रहते हैं डेसीडियस, मतलब कि बीच बीच में एक दो महीने सूख जाते हैं। दीज फॉरेस्ट ग्रो इन द रीजन विद हॉट एंड वेट समर। जो ये फॉरेस्ट हैं ये कौन से रीजन्स में उगते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा हॉट होता है, वेट होता है, कि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है ना, समर्स में उगते हैं ज़्यादातर, है ना। एंड वार्म एंड ड्राई, बहुत ज़्यादा ड्राई ड्राई से रीजन में, या फिर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी वाले रीजन में, ऐसे गर्म से रीजन, डेजर्ट नहीं लेकिन गर्म, है ना। और ड्राई विंटर्स में, है ना, कि जब उनकी विंटर्स होती हैं एकदम ड्राई होती है, कोई ह्यूमिडिटी नहीं होती, ऐसे पूरा सूखा पड़ा होता है ना। डेसीडियस ट्रीज शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग ड्राई सीजन। वो अपने अब ड्राई सीजन होता है तो फिर अब वो लोग क्या करते हैं, अपने लीव्स शेड कर देते हैं, छोड़ देते हैं अपने लीव्स को, कि पहले हम लोग खुद को जिंदा रख लें, वही काफ़ी, हमें इसका बढ़ना नहीं है, है ना। वो बढ़ने में ज़्यादा ध्यान देते हैं, वो खुद को जिंदा रखने में ज़्यादा ध्यान देते हैं, है ना। अब इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, आगे इंपॉर्टेंट ट्रीज, इनके इंपॉर्टेंट ट्रीज कौन से हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट की हमने अच्छी याद की थी पिछली बार, चलो इस बार भी याद कर लेते हैं। महोगनी, एबोने, रोजवुड एंड रबर, लियांस, क्रीपर्स एंड एपीफाइट्स। ये सारे ट्रीज हैं जो ग्रो करते हैं हमारे इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में। आगे है टीक, साल, देवदार एंड सैंडलवुड, फर्न एंड बैम्बू। ये सारे ग्रो करते हैं ट्रॉपिकल मॉनसून डेसीडियस फॉरेस्ट, है ना। अब सैंडलवुड जो होती है ना, ये हमें ज़्यादातर इंडिया में कहाँ मिलती है, ज़्यादातर कर्नाटका में, कहाँ मिलती है, कर्नाटका में। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद कर लो। आगे है इंपॉर्टेंट एनिमल्स एंड बर्ड्स, ये भी पढ़ लेते हैं। ट्री पॉर्कुपाइन, किंग कांजू, एंटीएटर, चार्मेलियन एंड कक्कस, ट्री फ्रॉग, लिजार्ड, स्क्विरल, स्नेक, कपाइबारा, मोंकी, बैट, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, जकमार, पैरेट, पिजन, टोकन, मकाओ, हॉर्नबिल, ह्यूमिडिंग बर्ड एंड मिलियंस ऑफ इंसेक्ट्स। भाई इतना लंबा बोल दिया, मेरी सांस से टक्की, इतना लंबा बोल दिया मैंने, है ना। हाँ, तो ये मैं बताना चाहता है कि यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिनमें से मेनली है ट्री पोर्कोपाइन, किंग कांजू, एलिगेटर एंड चमिलियन, कैमेलियन, है ना। कैमेलियन पता कौन सा होता है बेटा, गिरगिट। हाँ, आगे है हमारे डेसीडियस फॉरेस्ट में बोलते हैं टाइगर, लॉयन, एलिफेंट, बियर, डियर, चिटल, पांडा, हिप्पोपोटामस, नीलगाय, बफेलो, स्नेक एंड अदर रेप्टाइल्स, स्पैरोज, बवर बर्ड एंड अ होस्ट ऑफ वाटर बर्ड्स सच एज हेरॉन, क्रेन, डक एंड स्टॉक। बर्ड बहुत सारे हैं यहाँ पर तो।
है ना। हाँ, अब आप जैसे कि देख सकते हो कि इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में देखा कितने भारी भाई जानवर, लेकिन ट्रॉपिकल मानसून में हाथी भी है, हिपोपोटमस भी है, लायन भी है, भालू भी है, डियर भी है, चीतल, मतलब कि एक अलग टाइप का डियर होता है, जैसे बारासिंगा जैसे ही होता है थोड़ा सा, हिरन हिरन कह सकते उसको, है ना। पांडा भी भारी है, बहुत बफेलो भी भारी है, स्नेक थोड़ा पतला है ना, और सारे रेप्टाइल्स होते हैं। तो इतना कुछ है यहाँ पर देख लो, है ना। आगे हमारा रीजन वेयर देयर आर दीज आर फाउंड, कहाँ कहाँ मिलते हैं। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, इक्वेटोरियल बेल्ट इन एशिया, है ना भाई। इक्वेटोरियल रीजन में मिलते हैं, इसलिए इनका नाम ही इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है ना। इक्वेटोरियल बेल्ट इन एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, मेक्सिको एंड मैनी पार्ट ऑफ पैसिफिक, साइबेरियम एंड इंडियन ओशन आइलैंड्स, ऑन द विंडवर्ड स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, पार्ट्स ऑफ डेल्टिक, वेस्ट बंगाल, असम एंड ईस्टर्न हिमालयाज इन इंडिया। इतना कुछ, इतनी सारी जगहों में मिलते हैं, है ना। इंडिया के भी देखो कितने टाइप जगहों में मिलते हैं, इंडियन ओशन के आइलैंड्स पर मिलते हैं, मतलब जैसे कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स वगैरह, है ना, लक्षद्वीप आइलैंड वगैरह वगैरह आइलैंड्स में, है ना। फिर असम में मिलते हैं, ईस्टर्न हिमालयाज रीजन में मिलते हैं, जिसके मैंने आपको दिखाया था ना, वहाँ पर इक्वेटोरियल फॉरेस्ट दिखा था मैंने, है ना, कि डार्क ग्रीन में इक्वेटोरियल फॉरेस्ट था और लाइट ग्रीन में हमारा ट्रॉपिकल मानसून डेसीडियस फॉरेस्ट था, दोनों दोनों इंडिया के रीजन में दिख रहे थे, है ना। तो मतलब कि हमें ये तो पता चल गया कि इंडिया में तो होते हैं, है ना। आगे हमारा जो यहाँ पर जो विंडवर्ड है ना, ये मैं आपको थोड़ा सा छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ, इसको आपको गूगल में सर्च करना है ना, वो जो कमेंट है ना उधर लिख देना कि इसका जो मीनिंग होगा ना, वो आपको अच्छे जैसा सबसे अच्छे तरीके से लिखा होगा, उसका मैं कमेंट में नाम लूँगा, अगली अगली वीडियो में नाम लूँगा, ठीक है, चलेगा। हाँ, और हाँ एक और बात, जिस मतलब कि आप पूरी वीडियो देखा करो, मैंने बहुत बार देखा कि लोग आधी आधी वीडियो छोड़ देते हैं मेरी, है तो पूरी वीडियो देख लिया करो, है ना, और मैंने इतनी मन से वीडियो बनाई, तो लाइक लुक भी कर दिया करो, है ना, क्या है। हाँ, आगे चलो पढ़ते हैं हम लोग, ये बातें बाद में होती रहेंगी, है ना। मोस्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडिया के मेजरली सब कॉन्टिनेंट जो होते हैं, है ना, तो इंडिया को हम भी जानते हैं सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, है ना। अब इंडिया के मेजरली इंडिया में बहुत ज़्यादा मिलते हैं ये जो ट्रॉपिकल डेसीडियस ट्रॉपिकल मानसून डेसीडियस फॉरेस्ट जो होते हैं, ये इंडिया में बहुत ज़्यादा मिलते हैं। कहाँ कहाँ मिलते हैं, द गैंगटिक प्लेन्स, डेक्कन प्लेट्यू, ईस्टर्न घाट, छोटा नागपुर प्लेट्यू, लोअर हिमालय फुट हिल्स, से मैंने दिखाया था आपको, है ना। इट इज़ द प्रीडोमिनेंट वेजिटेशन इन इंडिया, मतलब कि बहुत सालों से यही वेजिटेशन होती आ रही है इंडिया में। ट्रॉपिकल साउथ एशिया एंड पार्ट्स ऑफ ट्रॉपिकल अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया में भी ये है। नेक्स्ट हमें दिखते कि भाई यहाँ तो अब तीन तीन फॉरेस्ट आ चुके हैं, जिनमें से यहाँ बता रखा है टेम्परेट डेसीडियस एंड मिक्स्ड फॉरेस्ट, मेडिटेरियन फॉरेस्ट एंड टेम्परेट कोफीरियस फॉरेस्ट। अब हमें इन तीनों फॉरेस्ट के बारे में पढ़ना है आगे, तो चलो पढ़ते हैं, है ना। यहाँ में वर्ड मीनिंग दे रखे हैं सेल्वास एंड डेसीडियस, है ना। सेल्वास हमने यहाँ देखा कि सेल्वास मतलब कि इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट को सेल्वा कहते हैं, द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट ऑफ एवरग्रीन हार्डवुड ट्रीज, क्रीपर्स एंड एपिफाइट्स विच फॉर्म अ कैनोपी ऑफ लेयर वेजिटेशन, मतलब कि इनके जो ट्रीज हैं इनके ग्रुप को सेल्वास कहते हैं, ठीक है। आगे है डेसीडियस ट्रीज दैट शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन, ड्राई सीजन में जो ट्रीज अपने लीव्स शेड कर देते हैं उनको हम क्या कहते हैं, डेसीडियस। तो आगे हमें एक और चार्ट दे रखा है जहाँ बता रखा है टेम्परेट डेसीडियस एंड मिक्स्ड फॉरेस्ट, मेडिटेरियन फॉरेस्ट एंड टेम्परेट कॉन्फिडियस फॉरेस्ट। तो इन तक बढ़ने से पहले हम लोग एक बार यहाँ देख लेते हैं क्या क्या दिखा रखा है। किंकान जी वो हमने पढ़ा था इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में, चीतल पढ़ा था हमने डेसीडियस फॉरेस्ट में, मोहगनी लीव्स एंड फ्रूट पढ़ा था हमने इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में, और साल फॉरेस्ट पढ़ा था हमने, कहाँ पढ़ा था, ट्रॉपिकल मानसून डेसीडियस फॉरेस्ट में। आगे यहाँ पर हमारा जो है सबसे पहले हम लोग एक एक करके करते हैं ना। हाँ, क्या ना अभी टाइम कम बचा, चलो मैं पूरे समझा देता हूँ, कुछ नहीं था, है ना। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तीनों के,
temperate deciduous and milk forest first. Found on the eastern side of the continent in the temperate latitudes, timber, resin, gum and medicinal plants are important forest products. यहाँ मैं बता रखा कि ईस्टर्न साइड होते हैं कॉन्टिनेंट्स के, उस जगह पाए जाते हैं. इनका जो टेम्परेचर और लैटिट्यूड पर ये डिपेंड करता है. टिम्बर, रिजन, गम एंड मेडिसिनल प्लांट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स. ये सब कुछ हमें इन फॉरेस्ट में से मिलता है. टिम्बर को हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रेशियस वुड के चंदन होता है, चंदन, हाँ उसी को टिम्बर कहते हैं. है चंदन, हमें सुना होगा बहुत ज़्यादा प्रेशियस होता है, बहुत महंगा आता है ना. तो फिर हमने पिछले हिस्ट्री के चैप्टर में भी देखा था कि पहले तो ब्रिटिश इनको बेचने के लिए क्या क्या करते थे, उन्होंने जंगल काट देते थे इनको बेचने के लिए, इतना ज़्यादा ब्रिटिशर्स की नज़र में आ रखा था, है ना. हाँ तो बस ये टेम्परेट डेसिडस एंड मिक्स्ड फॉरेस्ट में मिलता है. आगे है मेडिटेरियन फॉरेस्ट, फाउंड ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इन द टेम्परेट लैटिट्यूड स्पेशली बॉर्डरिंग द मेडिटेरियन सी. जो मेडिटेरियन फॉरेस्ट है ये वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट्स है, जो वेस्टर्न साइड होती है ना कॉन्टिनेंट्स की, उस जगह मिलता है टेम्परेट लैटिट्यूड में, स्पेशली बॉर्डरिंग द मेडिटेरियन सी. खासकर जहाँ मेडिटेरियन सी है ना, उस जगह के जो उसमें जो है ना हमारे कोस्ट है ना, उस जगह में मिलता है टेम्परेट कॉन्फ्यूरियस टियागा फॉरेस्ट. इनको टियागा भी कहा जाता है. द नीडल शेप्ड लीव्स एंड शेप्ड And shapes of the tree are adaptation of the climate. Timber industry is well developed here. Resin, gum, nuts, pulp and paper are the forest products. बल्कि जो leaves होते हैं बहुत तीखे तीखे होते हैं, है ना. और यहाँ के जो adaptation है वो climate के हिसाब से है. Shape इसके tree के climate के हिसाब से depend करता है. ये climate फिलहाल कैसा चल रहा है इसका, है ना. यहाँ पर टिम्बर की बहुत अच्छी इंडस्ट्रीज हैं, क्योंकि टिम्बर यहाँ पर भी मिलता है, गम यहाँ पर भी मिलते हैं, रेजिन यहाँ पर भी मिलते हैं, नट्स यहाँ पर भी मिलते हैं, है ना. तो मतलब कि सारी अगर टेम्परेट डेसिडियस और टेम्परेट कॉन्फ्यूरियस फॉरेस्ट के मतलब कि वेजिटेशन एक जैसी है, इसका हमें पता चलता है ना. आगे हमें बताया गया ट्रीज़ के बारे में. तो पहले हम देखते हैं टेम्परेट डेसिडियस एंड मिक्स फॉरेस्ट का. ओक, एश, यूकेलिप्टस, वेटल एंड एल्म, सेदार. आगे हमारा डोगलस, फिर सिटका, स्पर्स, मेपल, बीच एंड बिर्च. ये सारे ट्रीज हैं मेडिटेरियन फॉरेस्ट. लॉरियल, लेवेंडर, कॉक, ओक, ऑलिव, फिग, मिर्पटिल एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्रब्स. स्क्रब भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं यहाँ पर, है ना. बहुत सारे अलग अलग ट्रीज हमें देखने को मिल रहे हैं. इनके नाम आपको अच्छे से याद करें ताकि हम एग्जाम में फर्स्ट आ सकें, है ना. आगे स्क्रब, फिर पाइन एंड सेडर, सिल्वर बिर्च, जूनिपर, हेमलॉक एंड सॉफ्ट वुड मिलते हैं हमें टेम्परेट कॉन्फ्यूजियस टियागा फॉरेस्ट में. आगे हैं हमारा इंपॉर्टेंट एनिमल्स एंड बर्ड्स. सबसे पहले हम देखते हैं टेम्परेट डेसिडियस एंड मिक्स्ड फॉरेस्ट में कौन कौन से होते हैं. वुल्फ, बियर, फॉक्स, मिंक, लिंक्स, हॉर्स, डियर, पूमा, कोआला बियर, रैपिड, स्टॉर्ट, रेड एंड ग्रे स्क्विरल, चिंपांकू, वुडचॉक एंड विलिस, ईगल, स्वेलो, फाल्कन, जे, हॉक एंड मैरिटिन, बटरफ्लाइज एंड बीटल्स. वाह वाह वाह, बहुत कुछ है यहाँ पर. इन सब की फोटोज मैं तो कहता हूँ ना, एक बार ना गूगल पे इनका सबके नाम लिखना, है ना. बल्कि जो जो आपको नहीं पता कि कैसे कैसे दिखते हैं, उनके नाम लिखना आप और इमेजेस पर क्लिक करना. आपको इनकी इमेजेस दिखेंगी, फिर एक बार इनके इमेज ध्यान से देखना, फिर आपको देखना दिमाग ऐसे बैठ जाएंगे ना कि आपको लगेगा भाई हमको तो सब कुछ आता है. आगे है मेडिटेरियन फॉरेस्ट. वुल्फ, ओरच और वाइल्ड कैटल, ओनेगो और वाइल्ड एस, वाइल्ड बो, गोट, स्नेक एंड क्रोकोडाइल, हेरॉन, हॉक एंड आउल. बल्कि मेनली तो कॉमन ही है यहाँ पर, जितना कॉम्प्लेक्स नाम नहीं है. टेम्परेट कॉन्फ्यूजियस फॉरेस्ट. ओपोसम, रकून, बीवर, मुस्क्रैट, मस्क ऑक्सन, लिंक्स, वुड माउस, सिल्वर फॉक्स, सेबल, मिंक, एल्क एंड एंटीलॉप, क्रॉसबिल, वुपिंग क्रेन, स्पर्स, ग्रोस, ब्लैक ग्रूस एंड द कैटरपिलर्स.
है ना। तो देखो कितना कुछ यहाँ पर हमें देखो कितने नए नए नाम देखने को मिल गए हैं, है ना। तो एक बार आप गूगल पे सर्च करें, देखना कितना अच्छे से आपको कितना अच्छा लगेगा पढ़ना, कितना मज़ा आएगा पढ़ने में, है ना। रीजन्स वेयर दीज आर फाउंड, कहाँ कहाँ मिलते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग टेम्परेट डेसिडेशन मिक्सड फॉरेस्ट, जापान, कोरिया, नॉर्थ चाइना, ईस्टर्न कनाडा, नॉर्थ ईस्ट यूएसए, पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। आगे है मेडिटेरियन फॉरेस्ट, कोस्टल प्लेन्स, हिल्स एंड माउंटेन्स, बोर्डिंग एंड दी मेडिटेरियन सी एंड द अटलांटिक ओशन इन नॉर्थ अफ्रीका। यह टेम्परेट कॉन्फिजियस फॉरेस्ट में है यूनाइटेड स्टेट्स, कैनेडा, यूरोप एंड पार्ट्स ऑफ एशिया। आगे हमें दिखा रहे कुछ फोटोज, लेवेंडर बुश इज कॉमन इन द मेडिटेरियन फॉरेस्ट, मेडिटेरियन फॉरेस्ट का हमें लेवेंडर बुश जैसे याद करना है। लिनिक्स कैन बी फाउंड इन द टेम्परेट डेसिडियस एरियाज, टेम्परेट डेसिडियस एरियाज में लिनिक्स मिलता है। A leaf from silver binge tree which is common in the temperate coniferous forest. Temperate coniferous forest में हमारा जो silver birch tree है वो common है, क्योंकि बाकी जगह पर इतना तो common नहीं है। तो यहाँ इस पे हम लोग word meaning भी देख लेते हैं। Tiaga coniferous forest of cone bearing softwood trees typical of the cold temperate zone. तो आज हमने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है, कल हम लोग अभी ग्रासलैंड्स पे जाएंगे। आज हमने फॉरेस्ट के बारे में तो पढ़ लिया है, कल ग्रासलैंड्स पे भी चले जाएंगे। तो क्या है ना, अब इस वीडियो को आपने इतना अच्छे से देखा है, पूरी देख ली, तो लाइक भी कर देना। क्या रहता है मतलब कि देखो मैंने इतना अच्छे से पढ़ा दिया, आपने कर लिया, तो आप लाइक भी कर देना, है ना। हाँ, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जो मैंने सवाल पूछा है वो आप उसको आप कमेंट कर सकते हैं। टाटा।